निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों ने डाक मतपत्र के माध्यम से दूसरे दिन भी प्रशिक्षण स्थल पर अपने मतदान का प्रयोग किया। शहर के राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, राजकीय पुरुष पॉलिटेक्निक में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के कार्मिकों का शुक्रवार को दूसरे दिन भी प्रशिक्षण आयोजित किया गया। इस दौरान जिन कर्मियों के पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की व्यवस्था की गई, एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह ने बताया, इस दौरान विभिन्न निकायों के कार्मिकों ने डाक मतपत्र के माध्यम से अपने मतदान की इच्छा जताई। इस पर उन्होंने डाक मतपत्र उपलब्ध कराए गए। प्रशिक्षण स्थल पर ही उनके लिए बूथ बनाए गए थे, जहां पर उन्होंने मतपेटिका में अपने मतदान किया। इस दौरान मौजूद अधिकारियों ने उनका मतदाता सूची में नाम, मतदाता पहचान पत्र और चुनाव ड्यूटी पत्र का निरीक्षण किया। प्रशिक्षण के दौरान नगरीय निकाय चुनाव में लगे कर्मचारियों को ईवीएम के संबंध में मास्टर ट्रेनरों ने प्रशिक्षण दिया। देखिए, नगर निकाय के इलेक्शन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए जितने भी कार्मिक मतदान में लगे हुए हैं, पीठासीन निकाय से लेकर P1, P2, P3, P4 सभी की ट्रेनिंग इस समय महिला पॉलिटेक्निक और पुरुष पॉलिटेक्निक में चल रही है। पुरुष पॉलिटेक्निक में नगर निगम के कर्मचारी ट्रेनिंग चल रही है, और उसी में जो कर्मचारी, ऐसे कर्मचारी जो कि मतदाता हैं नगर निकाय में किसी में भी, और वो ड्यूटी होने के कारण अपना मतदान 4 तारीख को नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यह सुविधा वहाँ डाक मतपत्र की दी गई है कि वो अपना एक मतपत्र भी अपना वहाँ पे लेकर अपना वोट अपने संबंधित किसी इच्छुक प्रत्याशी को कर सकते हैं। तो वो भी काम चल रहा है, और ट्रेनिंग दो पालियों ट्रेनिंग चल रही है। ईवीएम नगर निगम का इलेक्शन ईवीएम से होना है, तो इसलिए ईवीएम के ट्रेनिंग मास्टर ट्रेनर दे रहे हैं, और हम भी दोनों मीटिंग में हम भी जाकर रिसर्च कर रहे हैं। और प्रत्याशियों से मेरी ये अनुरोध है कि वो जाकर स्वयं भी वहाँ देख सकते हैं, जो डाक मतपत्र कर्मचारी डाल रहे हैं उनको भी देख सकते हैं, और वहाँ बड़ी पारदर्शी काम हमारी टीम लगी हुई है। सर, महानगर में जो चुनाव होगा मेयर का, तो उसके लिए कितने बूथ बनाए गए हैं? देखिए, पूरे नगर निगम में हमारे 500 सर कितने केंद्र बनाए हैं महानगर? नगर निगम के अंतर्गत 139 मतदान केंद्र हैं। टोटल मतदेश लोग संख्या 578 है, जिनमें कि हमारे 3,57,826 पुरुष मतदाता हैं और 316,172 हमारी महिला मतदाता हैं। टोटल मतदाताओं की संख्या 6,73,898 हैं, जो कि उस दिन अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 4 तारीख। सर, सुरक्षा के क्या इंतजाम रहेंगे? देखिए, शांतिपूर्ण संपन्न मतदान संपन्न कराने के